हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11 से 12 मूविंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कि उनको जेई की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, ठीक है ना, और क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए, क्या ऑप्शंस है, ठीक। तो सबसे पहले मैं जो बच्चे 11 टू 12 मूविंग हो रहे हैं इस वक्त, उनमें दो तरह के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा। पहला टाइप ऑफ स्टूडेंट है कि जो बच्चे क्लास 11th में किसी भी कोचिंग पर JEE की तैयारी नहीं की है और सिर्फ उन्होंने बोर्ड की तैयारी की है। अब इस केस में इनमें से कई बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे क्लास 12th के लिए मैं JEE में भी अपीयर होऊंगा, ठीक है। तो मेरा कहना है कि जो है कई बार ऐसा होता है कि जानकारी के अभाव में या रिसोर्सेज के अभाव में या गलत इन्फॉर्मेशन मिलने के कारण कई पेरेंट्स और स्टूडेंट के दिमाग में धारणा बैठ जाती है कि JEE की तैयारी अलग है और बोर्ड की तैयारी अलग है। तो वो ये सोच बैठते हैं कि हम पहले 12th क्लियर कर लें बोर्ड में, अच्छे नंबर ले आएँ और उसके बाद फिर हम तैयारी स्टार्ट करें किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो मेरा ये मानना है कि ये सोच बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। ये बहुत घातक सोच है कि हम ऐसा सोच कर अपना एक चांस बेकार कर रहे हैं JEE का, ठीक ना। क्योंकि आप ये सोचिए कि चांसेस जो हैं वो लिमिटेड हैं, आपको केवल दो ही चांस मिलने वाले हैं JEE एडवांस में, तो हम अपना एक चांस क्यों खराब करें। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं कि तैयारी दोनों अलग अलग टाइप की है, दोनों तैयारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। जो JEE में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिसके कंसेप्ट क्लियर हैं, वो बोर्ड में भी अच्छा करेगा। तो हमें यह सोचने की कतई जरूरत नहीं है कि ये दोनों तैयारियां अलग अलग मोड में होती है, ठीक है। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप हमेशा ये टारगेट रखें कि मुझे 12th के साथ ही जो है JEE क्रैक करना है और अच्छे IIT में सिलेक्शन जो है मेरा हो जाए, ठीक है, और मैं अतिरिक्त एक साल बेकार ना करूं रिपीटर बन के क्लास 12th के बाद, ठीक है। अब सवाल ये कि ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी क्लास 11th में केवल बोर्ड की तैयारी किए हैं, तो वो 12th के साथ JEE में कैसे सक्सेसफुल हों, ठीक है। तो देखिए, एक सजेशन तो ये है कि ऐसे कई कोर्सेस होते हैं जिनमें बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट भी इस तरह के कोर्सेज चलाते हैं कि जिस बच्चे ने क्लास 11 में कहीं तैयारी ना की हो, वो वहाँ आकर करीब जनवरी या फरवरी में एडमिशन लेकर दोनों क्लासेस का सिलेबस पूरा कर ले, 11th और 12th का, ठीक है। तो ये ऑप्शन कई कोचिंग्स पर अवेलेबल होता है। अब आज के टाइम पे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स इतने आ गए हैं, ठीक है ना, ई लर्निंग जो है डे बाई डे पॉपुलर होती जा रही है, तो आपके पास ये चांस बराबर बना हुआ है कि आप साथ के साथ तैयारी कर लें। ये मैं किन बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरे बच्चों पे आते हैं कि जो JEE की तैयारी के लिए किसी कोचिंग में एडमिशन लिए हैं और क्लास 11 का सिलेबस पूरा किया है, ओके। तो अब हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कि JEE कोचिंग ले रहे हैं कहीं पर, क्लास 11 में कोचिंग ली है और 12th में भी जो है कोचिंग में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसे बच्चे जब क्लास 11 से 12 में मूव करते हैं तो थोड़ी सी उनके मन में घबराहट होती है, ठीक है, कि हमारे ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ने वाला है, हमें दो तरीके से तैयारी करनी है, एक बोर्ड भी देना है और साथ में हमें JEE भी देना है, ठीक है। तो इस प्रेशर में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है। प्लस एक मेंटल डिलेमा भी होता है वहाँ पर कि कई बच्चों को ये लगता है कि मेरी क्लास 11 का सिलेबस वीक रह गया है, ठीक है ना। ये अधिकांश बच्चों की समस्या होती है जैसा कि हमने इतने सालों में जाना। तो बच्चे जब ये चीज़ सोच लेते हैं तो उसके बाद जो है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्लास 12th पे। अब बच्चा ऐसा किस लिए सोच पाता है, उसका कारण है कि जैसे ही 10th से 11th में कोचिंग में आता है तो बहुत लेवल गैप होता है। इस लेवल गैप में क्या होता है कि पहले हमारा एप्टीट्यूड अलग था 10th तक, कि हम पढ़कर जो है उस चीज को जो है रिप्रोड्यूस कर देते थे। अब 11th कोचिंग जब JEE की करते हैं हम, तो उसमें ये होता है कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एप्टीट्यूड डेवलप करना होता है, क्वेश्चंस करने होते हैं बहुत सारे, तब जाके हम एक अननोन क्वेश्चन करने की जो है हिम्मत जुटा पाते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि फेस चेंज होने के कारण कई बच्चे जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एकदम फेस चेंज होता है, कई बार ऐसा होता है कि अच्छा नहीं पढ़ाया गया, अच्छा टीचर नहीं मिला, इस वजह से भी कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि 11th क्लास के कंसेप्ट हमारे वीक है, ठीक है। तो ये जो समस्या है इससे अधिकांश बच्चे जूझते हैं, और इसमें मेरी सलाह ये है कि आप दिमाग में से पूरी तरीके से डर निकाल दो कि 11th मेरी वीक रह गई है, ठीक है।
आपको जो है ये सोचना है कि 11th मैंने पढ़ी हुई है, हो सकता है कि मेरे दो चार टॉपिक जो हैं वीक हैं जिनको मैं आसानी से रिकवर कर सकता हूँ, इम्प्रूव कर सकता हूँ, और ये आपका मोरल बूस्ट करेगा। तो हमें बिल्कुल भी कतई ये नहीं सोचना है कि 11th वीक है, कुछ टॉपिक हमारे वीक हैं जिनको हम इम्प्रूव कर लेंगे। तो ये अगर आप दिमाग में रख लेंगे तो फिर आप 12th में अच्छे तरीके से मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं कुछ गाइडलाइन देने जा रहा हूँ कि जो बच्चे को फॉलो करना चाहिए यदि वो क्लास 11 से 12th में मूव कर रहा है और जेईई में कोचिंग ले रहा है और टारगेट उसका जेईई है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि क्लास 12th जैसे हमारी स्टार्ट होती है अप्रैल से, ठीक है, तो उसके पहले हम जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने डेवोट करें क्लास 11th की रिविजन के लिए। रिविजन का मतलब है कि थ्योरी दोबारा पढ़ना और क्वेश्चंस को लगाना। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास समय कम है तो हम क्वेश्चन थोड़े कम लगा के थ्योरी को अच्छे तरीके से बूस्टअप करके और आगे बढ़ें। ठीक है, इससे हमें क्या होगा कि हमारे मन में एक जो साइकोलॉजिकल फियर है कि 11th वीक है वो निकल जाएगा डर। तो डर निकाल के पहला पॉइंट ये है कि हम अप्रैल में स्टार्ट करेंगे 12th, तो हमें डर निकाल के पूरी तरीके से 12th में फोकस करना है। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जब हम क्लास 12th पढ़ेंगे अप्रैल से नवंबर तक, जब कोचिंग पे अप्रैल से नवंबर तक ये सिलेबस चलेगा, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी टॉपिक वहाँ चल रहा हो उस टॉपिक के साथ साथ हमें एनसीईआरटी ध्यान से पढ़नी है। अब एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ने के दो एडवांटेज होंगे। पहला तो ये होगा कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बोर्ड में आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि जेईई मेंस में कई क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं, तो यहाँ भी आपको फायदा मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है कि जो थ्योरी चल रही है, जो टॉपिक चल रहा है कोचिंग पे, उसके साथ साथ हम एनसीईआरटी की थ्योरी थोरोली पढ़ें, पॉइंट टू पॉइंट हम उसको ढंग से समझें। उसके बाद कोचिंग में क्वेश्चंस दिए जाते हैं आपको डीपीपी फॉर्म में, या फिर आपको दिए जाते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज की फॉर्म में, शीट की फॉर्म में। ये क्वेश्चंस आप लगाएं, और जब ये क्वेश्चंस आपके फिनिश हो जाएं पर्टिकुलर टॉपिक में, तब आप एनसीईआरटी की जो क्वेश्चन है उनको लगा लें। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाते समय आपको बहुत कम दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन स्मूथली जा रहा है, तो हमें मान के चलेंगे कि हमारी जो तैयारी का जो लेवल है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, तैयारी हमारी सही डायरेक्शन में हो रही है। तो हम ये चीज़ जो है दिमाग में रखें कि एनसीईआरटी साथ में चलें ताकि बोर्ड में कॉन्फिडेंस बना रहे। ठीक है ना, हम ऐसा ना हो कि पैनिक हो जाए नवंबर के बाद कि अब बोर्ड की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो बोर्ड की तैयारी अलग से नहीं है, बोर्ड की तैयारी साथ के साथ ही होती है और तैयार कोचिंग के साथ ही होनी चाहिए, यही आइडियल वे है। ठीक है, अच्छा साथ में एक बुक हम अवश्य साथ में रखें कि जो पिछले कुछ ईयर्स के क्वेश्चन आए हैं तो हम उनको पढ़ते रहें टाइम टू टाइम, तो हमें एक आइडिया होता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल किस तरह के पूछे जाते हैं और लिखना कैसे होता है। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, उनके जो आंसर्स वाली बुक्स आती है, वो एक अवश्य साथ में रखें हम। तो ये मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप साथ में बोर्ड की तैयारी करते रहें। ठीक है, अगला पॉइंट ये है कि हम क्लास 12 पे ध्यान दे रहे हैं लेकिन हम डेली 1 घंटा वो क्लास 11th के रिवीजन के लिए अवश्य निकालें। यानी अप्रैल से नवंबर तक हमें 1 घंटा डेली रिवीजन के लिए निकालना ही निकालना है। इससे क्या होगा कि आउट ऑफ टच नहीं होंगे, क्लास 11 का सिलेबस साथ में चलता रहेगा, तो कुछ चीज़ें तो 12 में मदद करेगी क्योंकि इंटर रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इससे हमें जो है पूरे साल भर एक कंटिन्यूस टच बना रहेगा और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। ये चीज़ हो गई हमारी इसके लिए। अब नवंबर तक कोचिंग पर क्लास 12 का सिलेबस खत्म हो जाता है, अब क्वेश्चन ये कि दिसंबर में हम क्या करेंगे। तो कई बच्चे क्या होते हैं जिन्होंने बोर्ड के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो सीधे इसमें बोर्ड की तैयारी में लग जाते हैं। तो अब हम जो है बोर्ड के लिए तैयारी ना करके हम सबसे पहले जो है दिसंबर का जो महीना है उसको अपन 11th क्लास के रिवीजन के लिए देंगे। ठीक है, 11th पढ़ेंगे, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि जेईई मेन का जो एग्ज़ाम है हमारा जनवरी मंथ का, इसमें हम कॉन्फिडेंटली अपीयर हो सकते हैं, तो हम ये चांस क्यों ख़राब करें। तो ये चांस हम बना के रहें, और जैसे ही हम जेईई मेन में अपीयर होने के बाद आगे बढ़ें तो उसके बाद फिर हम सीधा किस चीज़ के लिए लग जाएं कि हमें बोर्ड में अपीयर होना है। अब बोर्ड की तैयारी हमारी कब से कब स्टार्ट होगी, जैसे मान लीजिए जेईई मेन हमारा ख़त्म हुआ 15 तक, ठीक है, तो 15 तक ख़त्म होने के बाद जो है हम इसके बाद हमारे पास 15 जनवरी के आगे का टाइम है, पूरा फरवरी है और मार्च है, ये हम किस पे डिवोट कर रहे हैं, बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड की जब हम तैयारी कर रहे हैं तो डेली हम एक ध्यान रखें कि 2 घंटे डेली हम जेईई के पोर्शन के रिवीजन के लिए भी दें।
यानी कि जेई के जो टॉपिक्स हैं उनकी थ्योरी और कुछ क्वेश्चन साथ में लगाते रहें। तो ऐसा ना हो कि हम पूरी तरीके से बोर्ड पे फोकस करें और जेई से आउट ऑफ टच हो जाएं। और अप्रैल मंथ में जब जेई मेन दोबारा होगा तो फिर हम उसमें अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बोर्ड की तैयारी के साथ साथ जेई को भी आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें और जेई मेन अप्रैल तक आप दोनों चांस का भरपूर यूज करें और उसमें अच्छा परफॉर्म करें। ओके, अब देखिए क्लास 12 में स्टडी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है डीमोटिवेट हो जाता है और कई बार उसके मन में नेगेटिविटी आती है कि मैं केवल बोर्ड पे फोकस करना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो हमें ये थिंकिंग बिल्कुल नहीं लानी है अपने दिमाग में। ठीक है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि सिलेक्शन के जो सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं वो क्लास 12 के साथ ही होते हैं। अगर आप जेई टॉपर्स को देखें अंडर 100 रैंक, तो उनमें से अधिकांश यानी कि लगभग तकरीबन जो है वो 90% के ऊपर बच्चे जो हैं वो क्लास 12 वाले ही होते हैं जो कि बोर्ड में प्रिपेयर करने वाले, बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, रिपीटर्स की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, तो क्लास 12 पास स्टूडेंट बनने के बाद तैयारी करने की बिल्कुल ना सोचे। हम अपना पूरा दम लगाएंगे क्लास 12 के साथ ही। ठीक है, जिसमें हमारे सेलेक्ट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो रिपीटर बनने का बिल्कुल भी थॉट अपने दिमाग में नहीं लाएंगे, इस चांस को पूरी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ जो है हमने ये लास्ट चीज़ जो है गाइडलाइन में ये चीज़ हमने देखी है। अब देखिए इसके बाद जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम कोटा सेंटर पे इंटीग्रेटेड बैच जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड बैच के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये जो कोर्स है ये किन बच्चों के लिए है, क्लास 11 टू 12 मूविंग। अभी दोनों तरह के बच्चों के लिए है, जिन्होंने कोचिंग नहीं ली उनके लिए भी और जिन्होंने क्लास 11 में कहीं और कोचिंग ली उनके लिए भी। ठीक है, तो इसमें हम क्लास 11 और 12 दोनों का सिलेबस करवाने वाले हैं बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर किसी ने क्लास 11 नहीं पढ़ी है तो उसे कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ड्यूरेशन इस कोर्स का है जनवरी से लेकर नवंबर तक, जिसमें क्लास 11 और 12 दोनों होंगे और इसमें 6 days ए वीक क्लासेस होगी। डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की क्लासेस होगी। हर क्लास का ड्यूरेशन, ये कोटा सेंटर पे क्लासरूम कोर्स है, हर क्लास का ड्यूरेशन 1.5 आवर है, 1 घंटा 30 मिनट इसका ड्यूरेशन होगा। ठीक है, डेली। अब इस कोर्स के और क्या फीचर हैं कि सबसे पहला फीचर तो ये है कि इसमें पढ़ाने वाले जो हैं सारे फैकल्टी IITians हैं, जिन्होंने कोटा में मोर देन 12 years का एक्सपीरियंस किया है टीचिंग का। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पढ़ाने वाले लोग एक्सपीरियंस मिले। ठीक है ना, और अच्छी कोचिंग पे एक्सपीरियंस रखने वाले मिले। ठीक है, तो पहली जो चीज़ है वो ये है कि भाई हमें अच्छे IITian जो है फैकल्टी मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि कोटा सेंटर पे जब ये कोर्स चलता है, ठीक, तो हम यहाँ साथ में उसको कोटा का जो बेस्ट कंटेंट है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना, तो इतने सालों में जो कोटा की पॉपुलैरिटी इस वजह से है बिकॉज ऑफ द कोटा कंटेंट। ठीक है, तो कोटा कंटेंट जो है अपने आप में इतना एक्सटेंसिव कंटेंट है, इतना रिसर्च कंटेंट है कि वो बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर वो इन कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो हर साल जो है हजारों बच्चे यहाँ कोटा में आते हैं इसी चीज़ के लिए। ठीक है, तो कोटा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और उसका डिस्कशन कराया जाएगा। तो जो क्लास होती है 1 घंटा और 30 मिनट की, इसमें पहला पोर्शन होता है कि हम डिस्कशन देते हैं, डिस्कशन करवाते हैं जो होमवर्क हमने प्रीवियस क्लास में दिया है, और उसके बाद हम थ्योरी जो है वो कंटेंट कवर करवाते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसीजर है हर कोटा कोचिंग का जो हम भी फॉलो करने वाले हैं। इसके बाद हर 3 हफ्ते में टेस्ट होगा जो कि जेई मेन लेवल और जेई एडवांस लेवल दोनों का होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो टेस्ट होंगे वो दोनों मोड में होंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन, क्योंकि चूंकि अब ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहे हैं तो इसकी भी प्रैक्टिस हमारी होनी आवश्यक है। ठीक है, एक जो इस कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि क्लास में हमें कोई चीज़ में दिक्कत आई, डाउट हमें पूछना है। ठीक है, तो बड़े कोचिंग संस्थान में क्या होता है कि डाउट के लिए अलग से फैकल्टी होती है। ठीक है, तो उस केस में बच्चा जो है उस चीज़ को सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता है कि मैं डाउट जो है वो कैसे पूछूं, यानी कि वो अलग से स्पेशली उसके लिए आए और दूसरे टीचर से जिसकी उसकी ट्यूनिंग नहीं है उसे डाउट पूछना पड़ता है। तो यहाँ ये एडवांटेज रहेगा कि जो फैकल्टी आपको क्लास में पढ़ा रही है वही डाउट के लिए अवेलेबल रहेगी और एक पर्सनल केयर आपको मिलेगी, इंडिविजुअल केयर आपको मिलेगी। ठीक है, तो डाउट का एडवांटेज रहेगा। ठीक है, उसके अलावा अगला एडवांटेज आपका क्या है कि बहुत बड़े क्लासरूम नहीं है, आइडियल बैच स्ट्रेंथ है 60 to 70 स्टूडेंट्स पर क्लास। ठीक है,
जबकि अगर आप बहुत बड़े संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे 250 टू 300 स्टूडेंट एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, और उस केस में क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक मतलब झिझक के कारण कोई क्वेश्चन क्लास में नहीं पूछ पाता है, तो एक तो जो है ये गड़बड़ होती है उसमें। ठीक, अगली चीज क्या है कि आपको फैकल्टी के बारे में बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि कौन फैकल्टी आपको पढ़ाने वाली है। फैकल्टी चेंज होती रहती है कंटिन्यूसली, ठीक है ना, बैचेज में बच्चों का भी रीशफलिंग होता है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो उसमें क्या है, नए फैकल्टी के साथ ट्यूनिंग करनी पड़ती है हर 2-3 महीने के बाद, और उसमें अगर मान लीजिए कोई फैकल्टी आपको अच्छी नहीं मिली तो फिर वहाँ पे ये भी संभावना है कि अगर मान लीजिए आप उसको बदलने के लिए कोशिश करें तो वो जो है उसकी संभावना जो है कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे ये इंश्योर करेंगे कि सेम फैकल्टी थ्रू आउट आपको ईयर पढ़ाए और उसके उससे आपकी टाइमिंग बनी रहे ताकि आप बेझिझक कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ पाए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कोटा आने वाले बच्चे के लिए जो इंटीग्रेट बैच ज्वाइन करता है। ठीक है, इसके 3 फेजेस हैं हमारे। ठीक, 3 फेजेज जो हैं दिसंबर में है, जनवरी में है और अप्रैल मंथ में है। ठीक है, 3 फेजेज हैं। कोर्स की एंडिंग डेट जो है वो जनवरी मंथ है, नवंबर मंथ है। नवंबर में कोर्स फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद बच्चा जो है वो ऑनलाइन टेस्ट देगा, ऑफलाइन मोड में टेस्ट देगा जो कि हम सेंटर पे करवाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसके बाद जो है, ओके, अब इंटीग्रेटेड कोर्स में जो टीम आपको पढ़ाने वाली है उसका इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ आपको। फिजिक्स में आपको पढ़ाने वाले हैं SSI सर, सुशील कुमार सिन्हा सर, जो कि BTech हैं IIT दिल्ली से और जिनको 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। मायसेल्फ नवीन वर्मा NV, और मैं पढ़ाने वाला हूँ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, एक्सपीरियंस इज 14 ईयर्स BTech फ्रॉम IIT दिल्ली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेने वाले हैं VKP सर, विनय कुमार पांडे सर, जो कि MSc हैं IIT BYJU’S से, 15 ईयर्स एक्सपीरियंस। और उसके बाद जो है IIT JEE जो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हैं आपको, मैथमेटिक्स ओम सर, ही इज़ BTech फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड 12 ईयर एक्सपीरियंस। हम सब लोगों ने कोटा में पढ़ाया हुआ है, कोटा के वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। तो अगर आपको इस कोर्स के बारे में अगर अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं nucleon@iitjeekota.com, या हमें मेल कर सकते हैं nucleonorder@gmail.com पे, या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो यहाँ डिस्प्लेड है उस पर आप जो है कॉल करके इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। ठीक, थैंक यू एंड बेस्ट विशेज़।